हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं मैथ वर्कशीट एलकेजी यूकेजी क्लास के लिए। और आज की जो वर्कशीट है वो नंबर नेम के अकॉर्डिंग है, साथ ही साथ स्मॉलर और ग्रेटर नंबर के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो प्रैक्टिस शीट होती है वो हमने जस्ट कुछ सवाल तैयार किए हैं। तो आज की जो वीडियो है हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है पुट द करेक्ट नंबर नेम। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर नेम लिखे हैं और यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। बच्चों को यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर करेक्ट है उसको यहाँ पे पुट करना है। ओके, नंबर नेम के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो वर्कशीट्स हैं आपको प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे तो वहाँ मिल जाएंगी एलकेजी यूकेजी क्लास के। और वहाँ आप नंबर नेम के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं कि बच्चों को किस किस तरीके से नंबर नेम की प्रैक्टिस कराई जा सकती है, तो आप उन आइडियाज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ जो आज की वर्कशीट है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो वर्कशीट होती है इसमें होता क्या है, बच्चे स्पेलिंग्स लर्न होती है उन्हें, बस वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है। तो इस वर्कशीट की हेल्प से एक तो उनके पास नंबर्स लिखे होते हैं तो वो उसको ईजिली करते हैं और उनकी जो स्पेलिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि स्पेलिंग लिखी होती है। अगर उन्हें डाउट भी होता है तो वो लिखी हुई स्पेलिंग्स को करेक्टली रीड करते हैं और राइट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनकी स्पेलिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले 10 यहाँ पर लिखा है, TEN 10। बच्चे उसको रीड करेंगे और जो करेक्ट नंबर नेम है वो यहाँ पर पुट करना है। ऐसे ही 19 ये रहा NINETEEN। तो आप बच्चों को बोलिए कि जब भी वो लिखते हैं तो लाउडली रीड करते हुए लिखें, बोल बोल के लिखें। इससे क्या है कि उनकी स्पेलिंग जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। 2 की स्पेलिंग TWO। अगर उन्हें स्पेलिंग लर्न है तब तो उन्हें यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही लिख लेंगे। और जब उन्हें स्पेलिंग में डाउट होगा तब वो यहाँ पर चेक करेंगे, इससे उनके लिए इजी हो जाता है और साथ ही साथ स्पेलिंग्स भी अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं। ये हो गया 7। और 3 की स्पेलिंग THREE। अब ये क्या है, 1 to 12। तो 12 की स्पेलिंग यहाँ पर है, हम यहाँ पे लिखेंगे TWELVE 12। 18 EIGHTWEN 18। अब 1 ONE 1। 15 FIFTEEN 15। नेक्स्ट 4 FOUR 4। अब हमें तो स्पेलिंग लर्न थी इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया, लेकिन बच्चे क्या होते हैं वो स्पेलिंग्स में थोड़े डाउटफुल होते हैं, तो वो यहाँ से स्पेलिंग को रीड करते हैं और उसके बाद उसको यहाँ पे करेक्टली रीड करते हुए पुट करते हैं। इससे उनकी जो स्पेलिंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस तरह की जो वर्कशीट है, अगर आपको लगता है कि बच्चे स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर रहे हैं, उन्हें स्पेलिंग अच्छे से लर्न नहीं है, तो आप इस तरह की वर्कशीट के हेल्प से बच्चों को जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनको जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्टली लर्न हो जाएंगे। 11 ELEVEN 11। 8 की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, EIGHT 8। 5 FIVE 5। 13 और ये 1 to 20 के अकॉर्डिंग है जो वर्कशीट है। अगर बच्चों को 50 तक कंप्लीट है, 100 तक कंप्लीट है, तो आप उनको जितने स्पेलिंग्स लर्न है, जहाँ तक काउंटिंग के नंबर नेम्स उन्हें लर्न है, उसके अकॉर्डिंग आप ये वर्कशीट तैयार करके दे सकते हैं। हमने ये जो वर्कशीट है 1 to 20 के अकॉर्डिंग तैयार की है, ये LKG UKG क्लास के लिए है। और नंबर नेम्स आप जितने बच्चों को कम्प्लीट हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तरफ से तैयार करके दे सकती हैं। NINE 9। 16 शुरू में तो क्या होता है कि 1 to 20 ही जो स्पेलिंग्स हैं वो कंप्लीट कराई जाती हैं। 20 TWEN TY 20 SIX 6 और ये 14 की स्पेलिंग FOURTEEN 14 और ये हो गया 17। तो ये हो गई
स्पेलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। हम एक बार इसको जल्दी से रीड कर देते हैं और उसके बाद लेस देन और सॉरी स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग जो वर्कशीट है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 10 TEN 10, 19 NINETEEN 19, 2 TWO 2, 7 SEVEN 7, THREE 3, 12 TWELVE 12, 18 EIGH TEEN 18, 1 ONE 1, 15 FIFTEEN 15, और ये 4 है FOUR 4। नेक्स्ट 11 ELEVEN 11, 8 EIGHT 8, 5 FIVE 5, 13 THIRTEEN 13, NINE 9, SIXTEEN 16, SIX 6, और 20 TWENTY 20, FOUR TEEN 14, और ये है लास्ट में 17 SEVEN 17। तो इसकी हेल्प से बच्चों को जो स्पेलिंग्स हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट करा सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और उसको सर्कल करना है। ये है सर्कल द स्मॉलर नंबर। इसमें है कि बच्चों को दो नंबर दिए गए हैं और इनमें से जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा नंबर है, उसको सर्कल करना है। बच्चों को स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर अगर वो आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो उनकी जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि हम लोगों को बच्चों को साइन पुट करने को दिया जाता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, वहाँ उनके लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ जब बच्चों को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर यानी कि नंबर्स को इंक्रीज ऑर्डर में लिखना होता है, कभी डिक्रीज करते हुए लिखना होता है, तो बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। सबसे पहले कि अगर आप बच्चों को ये क्लियर करना चाहते हैं कि स्मॉल नंबर क्या होता है, ग्रेटर नंबर क्या होता है, तो सबसे इजी वे है कि बच्चों को काउंटिंग अच्छे से लर्न होती है। आप बच्चों को कह सकते हैं कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो नंबर हमें काउंटिंग करते समय पहले मिलता है वो छोटा होता है और जो नंबर बाद में मिलता है वो बड़ा होता है। जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो इसमें क्या है कि 1 पहले मिल रहा है तो ये छोटा नंबर है और 2 बाद में मिल रहा है तो 2 बड़ा नंबर है। ऐसे ही अगर 2 और 3 आपके पास हैं तो 2 हमें काउंटिंग करते समय पहले मिल जाता है और 3 बाद में मिलता है, तो 3 बड़ा नंबर हो जाएगा, 2 छोटा नंबर हो जाएगा। तो आप बच्चों को क्लियर कर सकते हैं और इस अगर बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो उन्हें काउंटिंग लर्न होती है और उन्हें स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है, क्योंकि वो काउंटिंग बेस पे होता है, उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो सबसे ईजी वे है कि आप उनको क्लियर कीजिए कि नंबर लाइन पर जो नंबर पहले मिल रहा है और जो नंबर बाद में मिल रहा है, ठीक है, जो पहले मिल रहा है वो स्मॉल है, जो बाद में मिल रहा है वो बिगर नंबर है। तो ऐसे यहाँ पे है 3 और 8, तो जब भी हम काउंट करते हैं तो 3 जो है हमें पहले मिलता है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा, तो हम इसको 3 को सर्कल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 15 और 5, तो काउंटिंग में 5 जो है हमें पहले मिलता है, 5 हमारा स्मॉल नंबर हो जाएगा, तो हम 5 को करेंगे सर्कल। 6 2 2 स्मॉल नंबर है। 18 और 10, इसमें क्या है, 10 हमें पहले मिलता है, ये है स्मॉल नंबर। हाँ, एक और चीज़ है, अगर बच्चों को ये भी क्लियर होना चाहिए कि 1 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 2 डिजिट नंबर से छोटे होते हैं। 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। 1 to 9 ये होते हैं 1 डिजिट नंबर, और 10 से लेके 99 ये होते हैं 2 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर हमेशा छोटे होते हैं 2 डिजिट नंबर से। जैसे यहाँ पे 15 है और 5 है, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तो जो 5 है वो छोटा हो जाएगा और 15 बड़ा नंबर है। 18 और 10, 10 के बाद 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14 करते करते लास्ट में 1 8 18 आता है, तो 10 हमें पहले मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा। 12 और 20, इसमें 12 जो है वो छोटा नंबर होगा। 9 और 7, 7 पहले आता है, तो 7 हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा। 4 14, 4 जो है वो 1 डिजिट नंबर है, हमें पहले मिलता है, ये स्मॉलर नंबर। 0 और 1,
ज़ीरो का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, तो ज़ीरो जो है वो छोटा है। इलेवन थर्टीन, वन वन इलेवन छोटा होता है वन थ्री थर्टीन से, वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टीन, तो इलेवन जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। ट्वेल्व और टू, और यहाँ पे है टू डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर, तो बच्चों को यहाँ पे डायरेक्टली वन डिजिट नंबर को सर्कल करना है। फोर फाइव, फोर पहले मिल रहा है, फोर है छोटा नंबर। नाइनटीन और नाइन, ये वन डिजिट नंबर है, ये छोटा है। ओके, तो बच्चों को स्मॉलर नंबर के लिए पहला तो कि नंबर लाइन पे जो नंबर हमें पहले मिलते हैं काउंटिंग करते समय वो छोटे नंबर होते हैं, और जो बाद में मिलते हैं वो होते हैं बिगर नंबर, वो बड़े नंबर होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, आप क्लियर कीजिए कि वन डिजिट नंबर छोटे होते हैं टू डिजिट नंबर से। ओके, और टू डिजिट नंबर छोटे होते हैं थ्री डिजिट, अगर उनको थ्री, अभी यूकेजी क्लास है, थ्री डिजिट नंबर नहीं आए होंगे, लेकिन वन डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर से छोटे होते हैं, और जो थ्री डिजिट नंबर होते हैं जैसे कि हंड्रेड है, थ्री डिजिट में हंड्रेड आता है, हंड्रेड टू नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन, ये हैं थ्री डिजिट नंबर, तो ये टू डिजिट नंबर से बड़े होते हैं। थ्री डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। तो अभी बच्चों को थ्री डिजिट तो पढ़ना नहीं है, आप उनको जस्ट वन डिजिट और टू डिजिट में क्लियर कीजिए कि जो वन डिजिट नंबर हैं वो टू डिजिट नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। तो जब भी उन्हें वन डिजिट और टू डिजिट को कंपेयर करना है तो वन डिजिट जो होंगे उनको हमेशा स्मॉल किया जाएगा। नेक्स्ट है सर्कल द ग्रेटर नंबर, सेम यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हमने आपको क्लियर किए, उसी बेस पे यहाँ पे उनको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। फोर और नाइन, तो नाइन जो है यहाँ पे क्या है, उनको ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर को सर्कल करना है। तो नाइन जो है हमें नंबर लाइन पे बाद में मिलता है काउंटिंग करते समय, तो जो नाइन है वो हमारा ग्रेटर नंबर है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। 16 और 6, ये वन डिजिट है, ये टू डिजिट है, तो टू डिजिट नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर नंबर होते हैं वन डिजिट से, देन 16 को हम सर्कल करेंगे। 7 और 3, 7 बड़ा होगा क्योंकि ये काउंटिंग में बाद में मिलता है। 19, 11, तो जो 19 है वो हमें बाद में मिलता है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर नंबर। ऐसे ही 13, 20, 20 ग्रेटर नंबर होगा, हम उसको सर्कल करेंगे। 10 और 8, वन डिजिट टू डिजिट है ना, तो टू डिजिट जो है वो बड़ा होगा, तो हम इसको डायरेक्ट सर्कल कर देंगे। ऐसे ही 5 और 15, यहाँ पे भी है वन डिजिट टू डिजिट, तो जो टू डिजिट नंबर है वो बड़ा होता है, तो हम इसको सर्कल करेंगे। 1, 2, इसमें टू बड़े हैं क्योंकि वन के बाद टू आता है। 12, 14, 12, 13, 14, 12 के आफ्टर 14 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। 13 और 3, इसमें वन डिजिट टू डिजिट, तो 13 जो है वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। 5 और 7, 5 के आफ्टर 7 आता है, 5, 6, 7, तो ये जो 7 है वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा। 2 और 20, तो इसमें डायरेक्ट टू डिजिट नंबर है ये, और वो है वन डिजिट नंबर, तो जो टू डिजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि बच्चों को स्मॉलर नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करेंगे कि स्मॉलर नंबर है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रेटर नंबर है। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपके बच्चों की स्टडी में, उनके रिविजन्स में हेल्पफुल रहेगा, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी अच्छे से क्लियर होंगे, उनको एक अच्छी रिविजन शीट्स है, आप इसके अकॉर्डिंग बच्चों को आज की प्रिपरेशन करा सकते हैं, बच्चों को नंबर नेम की तैयारी करा सकते हैं, साथ ही साथ उनको स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।